भाई लोग, आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में दंदना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को टिक कर बैठ के देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप सालों से इंतजार कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉलीवुड की शानदार मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस के 9वें सीक्वल के बारे में। तो अगर आप लोगों ने हॉब्स एंड शॉ फास्ट एंड फ्यूरियस यानी कि 8 देखी होगी तो वो शानदार मूवी थी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी बात तो ये दिखाई दे रही है कि काफी समय बाद फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी कास्ट हमें देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें है, जिसमें कि हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 8 यानी कि हॉब्स एंड शॉ की तरह 9 में भी चार्ली थेरोन एक बार फिर से एज ए विलन देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, रिलीज डेट के बारे में बात करी जाए तो फाइनल रिलीज डेट इस मूवी की 28 मई देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर कास्ट तो इस मूवी में फास्ट एंड फ्यूरियस की होने वाली है, लेकिन एक्सेप्ट ड्वेन जॉनसन एंड जोनाथन सेन हमें कमी खलती दिखाई दे सकती है। देखने वाली बात तो ये होगी दोस्तों, साथ ही इस बार पता नहीं कैसे आईडी का कैरेक्टर भी इस मूवी में वापसी करेगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि उसे किस तरीके से जिंदा करा गया है। तो इस मूवी का ट्रेलर को देख के ही पता चलता है कि हर बार की तरह मूवी में ढेर सारा एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें कुछ सीन भले ही चाइल्डिश हों लेकिन पूरी मूवी काफी ज्यादा एक्शन से भरी हुई होने वाली है। तो मूवी को डायरेक्ट भी जस्टिन लिन ने किया है, इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और 6 डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद तो काफी है कि मूवी को काफी अच्छा होना चाहिए। आप लोग दोस्तों अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को इस मूवी से कितनी उम्मीद है और एक मूवी पहली मूवियों की तरह धमाल मचा पाएगी या नहीं मचा पाएगी। आपका भाई इंडियन बॉय आपसे मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।